जीएसटी जो ज्यादा सरल है, ज्यादा पारदर्शी है, एक ऐसी व्यवस्था है जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है, एक ऐसी व्यवस्था है जो ईमानदारी को अवसर देती है, जो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक नया उत्साह और उमंग भरने की व्यवस्था इससे मिलती है, एक ऐसी व्यवस्था है ग्रे एरिया बिल्कुल समाप्त हो रहा है, उसके कारण जो सामान्य व्यापारियों को, सामान्य कारोबारियों को, अफसरों के द्वारा जो परेशानियां होती रही हैं, उससे मुक्ति का मार्ग इस जीएसटी के द्वारा, कोई ईमानदार व्यापारी बेवजह परेशान हो वो दिन इसके साथ खत्म होने की पूरी संभावना इस जीएसटी के अंदर है। इस पूरी व्यवस्था में छोटे व्यापारियों को 20 लाख तक का व्यापार करने वालों को पूरी तरह मुक्ति दे दी गई है, और जो 75 लाख तक है उनको भी कम से कम इस चीजों से जुड़ना पड़े इसकी व्यवस्था की है। ये बात ठीक है कि स्ट्रक्चर में लाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की है, लेकिन वो मिनिमम व्यवस्था है, नाम मात्र की व्यवस्थाएं की गई है, और उसके कारण सामान्य मानवीय जो है उसके लिए इस नई व्यवस्था से कोई बोझ होने वाला नहीं है। साथियों, जीएसटी की व्यवस्था इस बड़ी बड़ी आर्थिक भाषा में जो बोला जाता है वहां तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े शब्द इसके साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में कहूं कि देश के गरीबों के हित के लिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली है। आजादी के 70 साल के बाद भी हम गरीबों तक जो पहुंचा नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं हुए हैं, सब सरकारों ने प्रयत्न किए हैं, लेकिन संसाधनों की मर्यादा रही है कि हम हमारे देश के गरीब की उन आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं न कहीं कम पड़े हैं। अगर हम संसाधनों को सुव्यवस्थित ढंग से, और बोझ किसी एक पर न जाए, बोझ स्प्रेड हो जाए, हॉरिजॉन्टल जितना हम स्प्रेड करें उतना ही देश को वर्टिकल ले जाने की सुविधा बढ़ती है, और इसलिए उस दिशा में जाने का काम, अब वो कच्चा बिल पक्का बिल ये सारे खेल खत्म हो जाएंगे, बड़ी सरलता हो जाएगी, और मुझे विश्वास है छोटे मोटे व्यापारी भी ये जो गरीब को बेनिफिट मिलना वाला है वो जरूर उसको ट्रांसफर करेंगे, ताकि गरीब का भला